नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूँ आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। राजनीति में जब संकल्प और संघर्ष और कट्टरता की बात हो तो सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे पहले आता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री बूस्टर धमाका लेके आने वाली है। महाराष्ट्र चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं और इन कुछ दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां विपक्षी दलों के लिए काल बनकर सामने आ सकती है। योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए मुंबई में पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें उन्हें हिंदूवादी बताया गया है। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ का हिंदूवादी चेहरा और उनका फौलादी अंदाज लहर की तरह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़े बड़े तूफानों के बीच जीतने का सटीक तरीका योगी आदित्यनाथ के पास है। जैसे लहर में सब कुछ बहकर चला जाता है, वैसे ही उनका हिंदुत्व का मुद्दा अब महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी लहर बन चुका है। 6 नवंबर को वाशिम विधानसभा में उनकी पहली जनसभा होने जा रही है जिसमें वो बीजेपी प्रत्याशी श्याम खोड़े के लिए प्रचार करेंगे। योगी का स्वागत ऐसे किया गया है जैसे कि वो हिंदूवादी फायर ब्रिगेड हो जो आग को शांत करने के लिए मैदान में उतरती है। वो अपने बटेंगे तो कटेंगे वाले संदेश से महाराष्ट्र और यहां तक कि झारखंड में भी बीजेपी के लिए जीत की राह आसान कर सकते हैं। कैसे, चलिए बता देते हैं। कहा जाता है जो डूबते हैं वो डुबोते नहीं, बस उन्हें तैरना सिखाने वाला कोई चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ की रणनीति विपक्ष की पुरानी जातिवाद और विभाजन की राजनीति को परास्त करने वाली है। महाराष्ट्र और झारखंड में अब तक ये बात साफ हो चुकी है कि धर्म के नाम पर वोट बैंक नहीं बल्कि राष्ट्र के नाम पर वोट चाहिए। यूपी में कानून व्यवस्था को सुधारने वाले योगी आदित्यनाथ की नीति अब दूसरे राज्यों के लिए आदर्श बन चुकी है। हरियाणा से लेकर कर्नाटका, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, यहां तक कि बीजेपी को हर जगह योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर वाले तेवर की जरूरत पड़ी और यही नीति अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी अपनाई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक वो अब एक ब्रांड बन चुका है और ये ब्रांड है बदलाव और उनका नारा है जो काम मैं करता हूं वो कभी अधूरा नहीं होता। यही वजह है कि बीजेपी के अंदर हिंदुत्व के प्रमुख चेहरे का सबसे प्रभावी माना जाना। सीएम योगी की रैलियां जैसे आंधी की तरह विपक्षी दलों के खेमे में हलचल मचाने जा रही हैं। इतना ही नहीं, योगी का प्रभाव समझना है तो इस बात से समझिए कि महाराष्ट्र में पीएम मोदी से ज्यादा सीएम योगी चमकने वाले हैं। पीएम मोदी से ज्यादा रैलियां महाराष्ट्र में सीएम योगी करेंगे। महाराष्ट्र की धरती पर उनकी उपस्थिति विपक्ष को एक सख्त संदेश देने वाली है कि अब सत्ता की दिशा वही तय करेगी जो धर्म और राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा दिखाएगा, यानी कि जो धर्म के आधार पर लोगों को सम्मोहित करेगा सरकार तो उसी की ही बनेगी। फिलहाल सीएम योगी का फंडा और बीजेपी का ये पूरा हथकंडा महाराष्ट्र में कैसे काम करता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।